मैं डॉक्टर एस के सिंह, तपस्या एकेडमी मेरा एक संस्थान है जिसको मैं चला रहा हूँ, जिसमें SSC बैंकिंग, UPSC में CSET की तैयारी करने वाले छात्र, PCS की तैयारी करने वाले छात्र, अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए मैं मैथ्स और रीजनिंग के सब्जेक्ट में मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ। आज मैं आपके सामने स्टडी खजाना की तरफ से परमुटेशंस एक चैप्टर है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परमुटेशंस मतलब क्रम का चयन। आज इस टॉपिक पे मैं आपको जो भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि परमुटेशन एक ऐसा चैप्टर है, परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रॉबिलिटी, जिसको मैथ में एक डर होता है कि अगर परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रॉबिलिटी की हम बात करते हैं तो डरता है स्टूडेंट की परमुटेशन सीखना है, जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आज आपको लगेगा कि नहीं, परमुटेशन तो बहुत ही सामान्य सी चीज़ थी और इसको मैं सीख सकता हूँ। तो आज की इस क्लास में लगभग 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें मैं परमुटेशन के बारे में आपको ठीक से बताऊँगा और उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। परमुटेशंस, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, परमुटेशंस क्रमचय, क्रम का चयन, इसको हम लोग ये बोलते हैं। क्रमचय का मतलब होता है क्रम का चयन, क्रम का चयन। परमुटेशंस का मतलब होता है क्रमचय, क्रम का चयन। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, इसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं को व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को किस प्रकार सजाते हैं, किस प्रकार से सजाने का तरीका, व्यवस्थित करने का तरीका। जैसे सपोज करिए मेरे पास ना यह एक पेन है और मैं इसको इस ना कॉपी पे रखना चाहता हूँ, ये एक प्लेस है तो मैं इसको नहीं, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब मेरे पास एक पेन था तो मैंने इसको एक तरीके से सिर्फ ऐसे यहाँ पे रखा है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो पेन है और मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो पेन है तो देखिए मैंने इसको दो दो को इस तरह से अरेंज किया, लेकिन दो पेन में क्या होगा ना कि मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, ये देखिए, ये देखिए। तो दोनों तरीके जो सजाने के हैं दोनों डिफरेंट हैं। देखिए जब हमारे पास दो पेन है तो हम एक पेन में तो हम एक तरीके से अरेंज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास दो पेन होता है तो हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो पेन है तो हम इसको, दो मैनर्स हमारे पास है, इसको हम ऐसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको, सपोज करिए वी हैव अ थिंग्स ए, तो ए को अरेंज करने का हमारे पास केवल एक ही तरीका, वी हैव द वन मैनर्स, हमारे पास एक तरीका है कि बस हमारे पास ए है, एक चीज़ हमारे पास है। लेकिन अगर हमारे पास ए और बी दो चीज़ें हैं तो हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे, कैसे, ए को लिख करके बी या फिर हम बी के बाद ए, तो इस तरह से हमारे पास कितने मैनर्स मिले, दो तरीका। यह चैप्टर हमें इसी के बारे में बताएगा, यह हमें बताएगा कि हम कितने प्रकार से एन थिंग्स को अरेंजमेंट करेंगे। अभी तो हमने आपको एक चीज़ दिया, दो चीज़ दिया, इसी तरह हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, चार होंगी या इससे ज़्यादा होंगी, तो हम किस प्रकार से इसको व्यवस्थित करते हैं यह बात हम परमुटेशन के अंतर्गत सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको तीन चीज़ दिया, सपोज करिए मेरे पास ए है, बी है और सी है, आप इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम इसको ऐसे कर दें, ए बी और सी, या एक हमारे पास तरीका हो गया। लेकिन दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि ए और सी और बी, ये आपके पास दूसरा तरीका हो गया। तीसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि बी को पहले कर लीजिए और ए और सी, बी ए सी, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप बी को लिख लो और फिर सी को और फिर ए को, तो बी सी ए, या फिर आप सी से शुरू करिए सी ए बी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सी बी ए। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल मैनर्स मिले ना वह कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमारे पास कुल कितना तरीका आया, 6 तरीका। परमुटेशन से ही कहता है कि आप कितने तरीके से अरेंज करोगे। हमने यहाँ पर एक बात सीखा कि अगर हमारे पास एक चीज़ है ना तो उसको हम एक तरीके से अरेंज करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हैं तो उसको हम दो तरीके से, लेकिन अगर हमारे पास तीन चीज़ें हैं तो उसके लिए 6 तरीका होगा, ऐसे अगर हमारे पास चार चीज़ें होंगी तो उसके लिए 24 तरीका होगा, 5 चीज़ें होंगी 120 तरीका होगा। कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ इसके बाद, ये आप इसको कैसे करना है, ये तो मैंने बताया कि ये चैप्टर बताता क्या है, ये चैप्टर हमें यही कहता है ना कि आप कैसे अरेंज करोगे। तो ये अरेंजमेंट करने के मैंने तरीके बताए, लेकिन इसको कैसे बनाना है तो इसके लिए हमें ना इसमें एक चीज़ पढ़ना पड़ता है, आइए बताता हूँ क्या पढ़ना है। इसमें एक कंसेप्ट यूज किया जाता है मैथ का और उस कंसेप्ट का नाम है फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। और यहाँ पर मैं एन लिखता हूँ, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है अगर आप एन थिंग्स को अरेंज करना चाहते हैं या एन फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए इस तरह से हम लिखते हैं फैक्टोरियल एन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन और यहाँ पे ऐसे,
तो ये हमारे पास फैक्टोरियल एन बताता है। फैक्टोरियल एन का क्या मतलब है, यह पहली कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या है और उसके बाद हम इसको परमुटेशन में किस तरह से यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा ना फैक्टोरियल एन, तो सबसे पहले इसका मतलब समझा जाए कि इसका क्या मीनिंग्स होता है। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में ये जा करके यहाँ पर थ्री टू वन, वन पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसको आप अच्छे समझिए, जैसे सपोज करिए मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर सपोज करिए दस ले लिया, तो दस को आप कैसे डाउन करोगे, दस से नीचे नौ आएगा, फिर आठ आएगा, फिर सात आएगा, फिर छः आएगा और फिर पाँच चार लास्ट में कहाँ पे जाकर रुक जाएगा, थ्री टू वन। या मान लीजिए हम लोग दस लोग एक कमरे में हैं और बारी बारी से हमें जाना है, तो पहले एक बंदा चला गया, फिर एक जाता है, तो दस के बाद नौ आता है, फिर आठ, फिर सात, फिर छः, ऐसे करते करते लास्ट में फिर एक बार जाएगा। तो ये जो फैक्टोरियल एन कहता है ना कि ये हम एन थिंग्स लेते हैं और एन थिंग्स की हम डाउनिंग करेंगे, मतलब चाहे आप एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, अगर हम एक ही चीज लें तो फैक्टोरियल वन हो जाएगा, उसकी वैल्यू वन ही होगा। तो इसको ना ये इसका मल्टीपल होता है एन इंटू एन माइनस वन, ये थ्री टू वन, थ्री इंटू टू इंटू वन ये शो कर रहा है। अब देखो ना इसमें कई सारी चीज़ें हमें पढ़नी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा ना जीरो। अब इसमें एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, जीरो और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है वन, और यहां पर आप एक चीज और देखें, हम इसको लिखते हैं फैक्टोरियल वन और इसकी वैल्यू होती है वन। आप ये सोचोगे कि फैक्टोरियल जीरो भी वन है और फैक्टोरियल वन भी वन है। अभी मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं क्रमचय और क्रमचय में होता है सजाना। तो मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और मैं इस पेन को आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट करता हूं, ये देखिए पेन। तो आपने यहां पर एक चीज देखा कि जब मैं पेन को यहां पर रखता हूं तो एक व्यवस्था है, लेकिन मान लीजिए मैंने इस पेन को हटा लिया तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना भी तो एक तरीका है, दैट इज अ मैनर। ये हमारे पास एक जीरो, फैक्टोरियल जीरो क्या कहता है, फैक्टोरियल जीरो कहता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो वह भी एक इम्पटी होना भी क्या है, वह एक व्यवस्था है, वह एक अरेंजमेंट है। और एक चीज़ रखेंगे तो इसमें एक चीज़ रख गया, यह एक ही तरह से आप इसको रख सकते हैं, ये एक व्यवस्था है। लेकिन मैंने बताया कि अगर हम दो चीज़ रखें तो दो चीज़ों में क्या हो सकता है कि इनके क्रम को हम आगे पीछे करते हैं, तो ये देखिए हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम फैक्टोरियल जीरो की बात करते हैं तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है और फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है। अब जैसे मैं आगे थोड़ा सा बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर ना फैक्टोरियल टू यूज करूं तो फैक्टोरियल टू की जो वैल्यू होती है ना वह टू इंटू वन होता है, टू इंटू वन, क्योंकि आपने देखा एन इंटू एन माइनस वन घटता जाएगा वन तक, तो दो ही है तो दो से नीचे वन होगा, यानी दो इंटू वन की वैल्यू क्या हो गई, दो। और अगर हम फैक्टोरियल थ्री लिखते हैं तो थ्री फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री इंटू टू इंटू वन, एक एक कम होता जाएगा, यह डॉट जो है मल्टीपल को शो करता है, तो ये आ जाएगा छः तरीका। आप एक चीज़ देखिए, जब मैं आपको शुरू किया था तो मैंने आपको ही बताया कि अगर हमारे पास एक चीज़ है तो हमें एक तरीके से, दो चीज़ें हैं तो हम दो तरीके से, लेकिन अगर तीन चीज़ें हैं तो उसको हम छः तरीके से करते हैं। वो छः मैनर्स क्या हैं वो मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखाया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए कि फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू थ्री टू वन है, यहाँ पहले वाले केस में आपको यहाँ पर लिखना पड़ा है, यहाँ पर आप लिख रहे हो, लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब इजीली जैसे मान लीजिए मैं चार चीज लेता हूं। अब आप देखो फैक्टोरियल चार और फैक्टोरियल चार की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे ही तो लिखोगे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, इसका मतलब इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो फोर इंटू थ्री बारह और बारह दुना के चौबीस, चौबीस से कम चौबीस, यानी अगर हमारे पास चार चीजें होंगी तो उसके चौबीस अरेंजमेंट है। ऐसे ही आपके पास अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल फाइव और फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू आप देखो क्या हो जाएगा, पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, अब इसका आप मल्टीपल करके देखेंगे ना तो आपको मिलेगा 120, मतलब यू हैव द 120 मैनर्स, हमारे पास 120 तरीके हैं। फैक्टोरियल छः की वैल्यू आप निकालिए, अब इसमें हम फिर छः से मल्टीपल करेंगे, छः इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, इसकी वैल्यू निकालिए, ये कितना आएगा 720, आप मल्टीपल करके देखिए तो यहाँ पर आपको 720 तरीका मिलेगा, वी हैव फाइंड द 720 मैनर्स। और इसी तरह से ना देखिए ये तरीका हमारे लिए क्या होता है, नहीं फैक्टोरियल का कंसेप्ट ना यहाँ पर इसलिए मज़ेदार होता है क्योंकि हमें यहाँ पर वो 720 तरीके बनाने नहीं हैं। अगर हमें छः चीज़ों को अरेंज करना है तो छः चीज़ों को हम ले करके 720 तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं, यह व्यवस्था हमें बताता है कि हमें कैसे चीज़ों को अरेंज करना है। इसी तरह से जब आप आगे बात करते हो ना फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू, तो फैक्टोरियल सेवन कहाँ से डाउन होगा, सेवन से, सेवन के बाद फिर सिक्स लिखेंगे, फिर फाइव लिखेंगे, फिर थ्री लिखेंगे और फोर लिखेंगे, फिर थ्री लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर वन लिखेंगे, यानी घटता चला जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे सेवन टू जा फोर्टीन, वन हो जाएगा 749, फाइव जीरो, फाइव जीरो फोर जीरो। इसी तरह आप फैक्टोरियल एट की वैल्यू निकाल लीजिए, फैक्टोरियल एट में निकालेंगे तो कहाँ शुरू होगा, एट, फिर इसके बाद हो जाएगा सेवन, फिर यहाँ पे सिक्स, फिर यहाँ पे फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, इसका मतलब यहाँ पे आप इसका मल्टीपल करके देखिए, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे जीरो, एट फोर जा थर्टी टू, यानी टू हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा और फिर यहाँ पे फोर आ जाएगा, फोर जीरो थ्री टू जीरो। ऐसे ही आप आएंगे ना फैक्टोरियल नाइन की वैल्यू निकाल लीजिए,
कम से कम 10 तक तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं फैक्टोरियल 9 की वैल्यू। अब 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 2 1, और सॉल्व करके देखते हैं इसका की वैल्यू कितनी आती है। 0 आ जाएगा, 9 2 जाए 18, 1 आ जाएगा, 9 3 27 1 28, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 4 36। देखिए 3 6 2 8 0, यहाँ हमारे पास फैक्टोरियल 9 की वैल्यू मिली। और हम अगर फैक्टोरियल 10 की वैल्यू की बात करते हैं तो अब ये शुरू कहाँ से करेंगे, हाँ 10 से करेंगे, 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5, और ऐसे ही ना हम इसको ना आगे तक सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना 10 से मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो 3 6 2 8 8 0 0। अब देखो इसमें ना सबसे अच्छी बात यह है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कहता है कि आपके पास कोई 6 लेटर का एक वर्ड है, उसको आपको अरेंज करना है। तो हमें अगर याद है ना कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है ना, तो उस क्वेश्चन को बिना बनाए हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। और मान लीजिए सपोज करिए कोई कहता है कि हमारे पास 25 थिंग्स हैं, हम उसको अरेंज करना चाहते हैं, तो 25 थिंग्स एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 25 इंटू 24, इस तरह से डाउनिंग होते होते वो कहाँ पर आएगा, 3 2 1 पे आएगा। तो उसको हम ना फैक्टोरियल फॉर्म में छोड़ देते हैं, जो बड़े डाटा होते हैं ना उसको इसी फॉर्म में फैक्टोरियल को यूज किया जाता है। इसलिए परमुटेशन पढ़ने के लिए हमें फैक्टोरियल की जानकारी ठीक से होनी चाहिए। फैक्टोरियल क्या कहता है कि बस कुछ नहीं करना है, जितना हमने दिया गया है फैक्टोरियल, अगर हमें 10 चीजों को अरेंज करना है तो हम 10 से उसकी डाउनिंग शुरू कर देंगे। हमारे पास 9 चीजें हैं तो हम 9 से उसकी डाउनिंग शुरू कर देंगे, 8 है तो 8 से कर देंगे, 30 चीजें हैं तो 30 से शुरू कर देंगे। लेकिन अब फैक्टोरियल 30 की वैल्यू निकालना नहीं है, क्योंकि आप एक चीज देखो कि फैक्टोरियल 10 की वैल्यू जब आप निकालते हो ना तो कितना आ रहा है, 3 6 2 8 8 0 0, कितना बड़ा वैल्यू आ रहा है। या आप फैक्टोरियल 8 की वैल्यू देखो तो यहाँ पे देखो 40,320 आ रहा है। ऐसे ये वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है, तो उसको ना न्यूमेरिक डाटा में प्रेजेंट नहीं किया जाता, उसको फैक्टोरियल फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपके काम जहाँ तक हम बात करते हैं सी सेट के लिए, जहाँ तक हम बात करते हैं 1.5 एग्जाम्स के लिए, तो उसमें ना हमारा काम इससे चल जाएगा। तो आप फैक्टोरियल 10 तक की सारी वैल्यू पहले आप याद कर लें। आपने को मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हमें कैसे चीज़ों को अरेंज करना है। एक चीज़ है तो एक तरीका, दो चीज़ है तो दो तरीका, तीन चीज़ है तो 6 तरीका। मैंने यहाँ पे मैनर भी आपको दिखाया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 4 चीज़ें हैं तो उसके लिए 24 तरीका, 5 चीज़ों के लिए 120 तरीका, 6 चीज़ों के लिए 720 तरीका, 7 चीज़ों के लिए 5040 तरीका, ऐसे 8 9 और 10 चीज़ों के लिए हमारे पास ये तरीका, और n चीज़ों के लिए हमारे पास देखिए ये हमने लिखा है फैक्टोरियल n की वैल्यू, n चीज़ों को अरेंज करने का ये तरीका होता है, दैट इज द फैक्टोरियल नोटेशंस। इसको हम बोलते हैं, इसको दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है। इस पर मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम का क्वेश्चन है हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ दिल्ली। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि इसका हिंदी बनेगा कि दिल्ली शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली शब्द के अक्षरों को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये सिंपल सा एक प्रश्न आया। और दिल्ली शब्द के अक्षरों को अरेंजमेंट करने का क्या मतलब, यानी ये जो लेटर है ना इनको आप आगे पीछे कितने तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, यही अरेंजमेंट का हमारा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में यही सीखना है कि हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं। अब देखो दिल्ली में जैसे हमने आपको बताया अभी फैक्टोरियल के बारे में बताया, तो आप इसको अरेंज करने के लिए ना आपके पास यहाँ पे अरेंज करने के लिए कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 और 5, हमारे पास यहाँ पर कुल 5 चीज़ें हैं। एक डी है, फिर ई है, फिर एल है, फिर एच है, यानी वी हैव द 5 लेटर्स। अब 5 चीज़ों को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो हम जानते हैं इसका फार्मूला फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120। यानी आप ना इसको देखो, मैं इसको पैटर्न भी दे रहा हूँ, इसको ना ऐसे अरेंज करते हैं, हम ऐसे कहते हैं यार 5 लेटर्स है ना, तो हमारे पास 5 प्लेस है,
फाइव लेटर का मतलब हमारे पास क्या है, फाइव प्लेस है, और फाइव प्लेस को अगर हमें अरेंज करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, फर्स्ट प्लेस को इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है, मतलब इस सीट को भरने के कितने मैनर्स हैं हमारे पास, फाइव मैनर्स हैं, हम इसको बोलते हैं फाइव तरीका, यानी आप पहली सीट को पाँच तरीके से भर सकते हो। अब मैं पूछूंगा ये दूसरी सीट को आप कितने तरीके से भर सकते हो, तो आप कहोगे कि अब पाँच तरीका यहाँ पर है तो यहाँ पर भी पाँच तरीका होगा, नहीं देखो यहाँ पर पाँच चीज़ें हैं लेकिन जब आप इसको फिल करोगे ना तो कोई एक चीज़ आप यूज कर लोगे, है तो पाँच लेकिन आपने एक यूज कर लिया, तो यहाँ पर आप पांचों में से कोई भी एक यूज कर सकते थे लेकिन आपके पास यहाँ पर फाइव मैनर्स था, अगले पे आप जाओगे तो आपने एक यूज कर लिया है, तो यानी इस चीज़ को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक यूज हो गया, इस पांचों में से एक यूज हो गया, कोई ना कोई यूज हुआ होगा, अब इस चीज़ को आप चार तरीके से भर सकते थे, तो यूज अब तक कितने हो गए, एक और दो, बचे कितने, तीन, तो इस सीट को भरने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, तीन तरीका, इस सीट को भरने का कितना तरीका होगा, दो तरीका, और इस सीट को भरने का हमारे पास कितना तरीका होगा, एक तरीका, यानी हम इसको देखते हैं कि हमारा पहला सीट पाँच तरीके से, फिर चार तरीके से, फिर तीन तरीके से, फिर दो तरीके से, और फिर एक तरीके से, यानी ये लगातार घटता जा रहा है, यानी आपने देखा पाँच चार, यही तो हमारा था फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल फाइव यही तो कहता था कि फैक्टोरियल फाइव क्या है, पांच चार तीन, अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आखिर में घटता क्यों है, क्योंकि हमने कोई एक यूज किया, यहां पर हमने एक यूज कर लिया, तो इसको हम कह सकते हैं पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, मतलब हमारे पास जो टोटल मैनर्स हुए वो क्या हो गए, उसकी वैल्यू हो गई 120, 120, आप इसका मल्टीपल करके देख सकते हैं 120, यानी दिल्ली शब्द के अक्षरों को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 120 तरीके से। पहली बात तो आप ये समझें, इस क्वेश्चन मैंने पहला पार्ट बताया, हम इसको ए पार्ट बोल सकते हैं क्योंकि यहीं पर मैं आपको ना सारे जितने मैनर्स बनते हैं लेटर के वो एक साथ आपको बताऊंगा। अब इसमें ना मैं इसका बी पार्ट लेके चलता हूं। अब बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट ये कहता है कि दिल्ली शब्द में फाइव लेटर हैं लेकिन आप ना केवल दो लेटर वाले अगर आपको वर्ड्स बनाने हैं, दो लेटर वाले आपको अरेंजमेंट करने हैं तो आप कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो, इसका क्या मतलब है, देखो इसको ध्यान से देखो आप, हमारे पास ना यहाँ पर ये दो सीटें हैं, ये पहला सीट और दूसरा सीट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दो अक्षर वाले कितने शब्द, ये इसका बी पार्ट है, ये पहला पार्ट आपने यहाँ पर देखा जिसको मैंने आपको बताया, जिसका आंसर आपने 120 गेट किया, ये दूसरा पार्ट मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ, दो अक्षर वाले कितने शब्द, यहाँ पर क्या था कि पांचों लेटर को अरेंज करना था, लेकिन इस प्रश्न में उसी है वही, इसी का बी पार्ट है कि दिल्ली को ही आपको यूज करना है लेकिन आपको केवल दो लेटर वाले शब्द बनाने हैं, तो दो लेटर के लिए हम क्या करेंगे, ठीक इसी चीज़ को उठाएंगे और बड़ा ध्यान समझिएगा, इसका मतलब जानते हैं, इस सीट को जो भरने का हमारे पास तरीका है ना, ये तरीका हमारे पास, इस पहले सीट को हम भर सकते हैं, हमारे पास पांच लेटर हैं और पांच में से आप यहाँ पर जब भरने आएंगे तो पांचों में से कोई भी आ सकता है, मतलब हमारे पास फाइव मैनर्स हैं, हमारे पास पाँच तरीका है इस चीज़ को भरने का, सेम उसी तरह अब दूसरे पर जाएंगे तो पाँच में से एक यूज हो गया, जैसे यहाँ पर एक यूज हो गया उसी प्रकार यहाँ भी एक यूज जाएगा, तो अब यहाँ पर इस चीज़ को भरने का हमारे पास कितना तरीका होगा, चार तरीका होगा, फोर मैनर्स होगा, बात समझ में आई, अब ऐसे अगर आगे रहता तो तीन तरीका हो जाता, उसके आगे रहता तो दो घटता चला जाता है, अब दो अक्षर वाला बनाना है मतलब ओनली टू प्लेस, लेकिन चीजें कितनी हमारे पास है, पांच चीजें हैं, तो हम ना इसको ऐसे करेंगे फाइव इंटू फोर, मतलब हमारे पास कितना इसका आंसर आ जाएगा, 20, देखिए इसका आंसर ये है, ये इस प्रश्न का आंसर था और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगर मैं इसी में आपसे पूछता कि मुझे तीन लेटर वाले ना वर्ड्स बनाने, थ्री चीज़ों को अरेंज करना है, तो आप पहली सीट को क्या करते, पांच तरीके से, फिर उसके बाद चार तरीके से और फिर तीन तरीके से, यानी पाँच इंटू चार बीस, बीस इंटू तीन, तो आपके पास 60 मैनर्स मिल जाते और 60 मैनर्स आपको तब मिलते जब आप तीन चीज़ों को अरेंज कर रहे होते, ऐसे ही आगे। लेकिन अभी जैसे पहले प्रश्न में क्या था, हमें दिल्ली शब्द के लेटर को अरेंज करना, मतलब हमें पांच के पांच चीज़ों को अरेंज करना है, इसमें प्रतिबद्धित कर दिया कि नहीं आप दो अक्षर वाले कितने शब्द बनाओगे अगर आपके पास दिल्ली का लेटर है, तो आपके पास तरीका कितना आ गया, आप 20 मैनर्स आ गए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना मैं आपको ना नेक्स्ट ले चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये इसके क्वेश्चन पे हम सी पार्ट बनाते हैं, सी पार्ट थर्ड पार्ट में इसका देता हूँ आपको, और देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा दिल्ली ही चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे सी पार्ट में क्या दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द, जो भी हमारा वर्ड्स बन रहा है, प्रत्येक शब्द की शुरुआत, बिगिन ऑफ ईच वर्ड, शुरुआत प्रारंभ, बिगिन कर सकते हैं, शुरुआत डी से हो, डी से हो, डी से हो, प्रत्येक शब्द की शुरुआत डी से हो, डी फॉर दिल्ली से हो, तो अगर हम ना इसको डी से करते हैं ना, तो अब जरा इसको देखिए,
मतलब यहाँ पर आपको पांचों चीज़ें अरेंज करनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, देखो पांचों चीज़ें अरेंज करनी है। लेकिन प्रश्न ये है ना कि यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया कि हर बार ना यहाँ पर पहले डी आएगा, हर बार पहले डी आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हर बार पहले बार डी आएगा तो मतलब आप केवल यहाँ पर डी ही भर सकते हैं और तो कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास है तो 5, आपके पास डी है, ई है, एल है, एच है और आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रत्येक लेटर का जो जो भी आप वर्ड बनाए सबको अरेंज करिए, लेकिन पहले आप डी रखिए। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजिशन पर हमेशा अगर डी आएगा, अगर यहाँ पर आपने डी को फिक्स कर दिया, तो हमारे पास कितना माइनर डी को फिक्स करने का, क्योंकि डी एक ही लेटर है। तो आप यहाँ पर आपके पास जो तरीका मिलेगा ना, एक तरीका मिलेगा, वन माइनर्स मिलेगा। इसी तरह जब आप अगले सीट की तरफ चलोगे तो अब यहाँ पर देखो कि डी तो फिक्स हो गया, अब हमारे पास देखो यहाँ पर 5 चीज़ें हैं और 5 में से एक चीज़ तो फिक्स हो गया है। अब ये एक अगर फिक्स हो गया तो हमारे पास बचे कितने, 4 चीज़ें। तो दूसरे सीट को भरने का कितना तरीका होगा, अब 5 नहीं होगा क्योंकि एक चीज़ तो लग गया और वह केवल अकेला ही वहाँ पर लग सकता था, बाकी चीज़ें जो है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में प्रतिबद्धता नहीं थी, वहाँ पर दिल्ली के 5 लेटर में से किसी को भी लगा सकते थे। यहाँ पर ये है, क्वेश्चन ही कह रहा है प्रत्येक शब्द की शुरुआत डी से हो, तो डी को आपने एक तरीके से भरा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको 4 तरीके से 4 तरीका होगा। फिर इसके बाद इस सीट को भरने का हमारे पास 3 तरीका होगा, इसको भरने का हमारे पास 2 तरीका होगा, इसको भरने का हमारे पास 1 तरीका होगा। आपने एक चीज़ देखा, 4 × 3 × 2 × 1, ये घटता जा रहा है, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, यानी कितना हो जाएगा, आप देखिए इसको, 24 तरीके, हमारे पास कुल 24 माइनर्स हैं। और पहले क्वेश्चन में आपने देखा था 120 माइनर्स हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 ही सीट थी तो 5 × 4 तरीका था, इसमें हमने देखा कि जो हमारा डी है ना, डी ये हमने इसको फिक्स कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक ना क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, इसका डी पार्ट देता हूँ, थोड़ा आप और अच्छे समझें। प्रत्येक शब्द की शुरुआत, प्रत्येक शब्द की शुरुआत डी से हो, डी से हो पर समाप्त, पर समाप्त आई पर हो, आई पर हो। देखिए यहाँ पर 2 जगह कंडीशन लगा, हमारे पास 5 लेटर्स हैं और अरेंजमेंट करने के लिए 5 सीटें हैं, आप 5ों का 5ों यूज करो, लेकिन यहाँ पर प्रतिबद्धता 2 जगह लगी, कहाँ कहाँ पर, डी पे, ये देखिए डी है और ये हमारा आई है, हम 2 जगह प्रतिबद्धित हो गए, कहाँ कहाँ पे, डी पे और आई पे। तो इसका मतलब हमारा जो पहला लेटर होगा ना वो डी होगा और जो आखिरी लेटर होगा ना वो क्या होगा, आई होगा। तो अगर आप इसको डी से और आई से, अगर आप इसको प्रारंभ डी पे शुरू, डी से शुरू करते हैं और आई पे समाप्त करते हैं, तो अरेंजमेंट ना तो डी पे होगा ना तो आई पे, यानी डी को यहाँ पे रखने का केवल एक मैनर से, एक तरीका हमारे पास है, हम डी को रख सकते हैं, और आई को भी हमारे पास रखने का केवल एक ही तरीका है, एक तरीके से हम आई को रख सकते हैं। तो ये जो बीच की जो 3 सीटें हैं ना, इसको फिर इसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास जब हमने 2 यूज कर लिया तो हमारे पास बची 3, भाई दिल्ली में हमारे पास 5 चीज़ें थी, 5 में से हमने 2 फिक्स कर दिए, तो हमारे पास बची ये 3 चीज़ें। अब इस 3 चीज़ों को अरेंज करने के लिए इस सीट को आप कितने तरीके से भरोगे, यस 3 तरीका। इसको कितने तरीके से भरोगे, 2 तरीका। इसको कितने तरीके से भरोगे आप, 1 तरीका, यानी 3 × 2 × 1, और इधर 1 रहेगा। तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे फिक्स कर दिया गया इस चीज़ को, तो अब इसका माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। इस प्रश्न का आंसर 24 आएगा, इस प्रश्न का आंसर 6 आ जाएगा, गुड। अब देखिए ये हमारे पास हो गया डी पार्ट, अब इसमें मैं आगे एक पार्ट और आपको देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी और ई पार्ट में आपको दे रहा हूँ। ई पार्ट में मैं क्या कहता हूँ, प्रत्येक शब्द में स्वर, प्रत्येक शब्द में स्वर एक साथ हूँ, इसको हम लोग स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वावल्स। हमारे पास जो स्वर है ना, स्वर, और आप जानते हैं स्वर क्या 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 होता है, हमारे पास बताइए, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो हमने दिया है, हम ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही हमारा दिल्ली शब्द के अक्षरों को अरेंज करना है, लेकिन कंडीशंस क्या है, हमारे पास जो ओरिजिनल लेटर हो क्या है, दिल्ली। ध्यान दीजिएगा इस बात की, हमने दिल्ली को ले रखा है। तो दिल्ली शब्द में अगर हम वावल्स की बात करते हैं तो इसमें 2 वावल्स मिलेंगे हमारे पास। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो हमारे पास स्वर इसमें क्या क्या है, एक तो हमारे पास ई मिल जाएगा, गुड, और एक हमारे पास आई मिल जाएगा, यानी हमारे पास स्वर 2 हैं। तो व्यंजन कितने होंगे, इसमें व्यंजन कितने होंगे, व्यंजन 3। लेकिन कंडीशंस कहाँ पे लगी है कि स्वर एक साथ हों, यानी स्वर जो हमारे पास ई और आई है ना, इनको हमेशा एक साथ रखना है।
अभी तक क्या था कि प्रतिबंधित नहीं थे, ये कहीं पर भी अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब आप एक बात समझिए कि अगर हम ई और आई को एक साथ लेते हैं ना, तो यह एक यूनिट हो जाते हैं, ये जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे। तो अब हमारे पास अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास पांच चीज़ें थी और पांच में से ये दोनों एक साथ हो गए, तो यह एक की तरह काम करेंगे। अब हमारे पास जो सीट है ना, आप इस चीज़ को समझिए, ई और आई अगर साथ में आ रहे हैं, साथ में आने का मतलब वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, वो कहीं पर भी आ सकते हैं। तो अब अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास पाँच चीज़ें नहीं रही, अब हमारे पास अरेंजमेंट करने के लिए एक, दो, तीन और चार चीज़ें रही। चार चीज़ों को हम आगे पीछे अरेंज करेंगे। अब चार चीज़ों को अरेंज करने का तरीका हमारे पास 4 × 3 × 2 × 1, जिसको आपने कहा था कि फैक्टोरियल 4 होता है। जब आपके पास चार चीजें अरेंज करनी है तो आप कैसे अरेंज करोगे, 4 × 3 × 2 × 1 से करोगे, यानी हमारे पास यहां पे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। लेकिन एक बात और इसमें समझने वाली थी कि ई और आई एक साथ आएंगे, तो इसमें दो तरीके से आ सकते हैं ना ई आई। हमने आपको शुरू में बताया था कि देखिए ई और आई अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे आ सकता है, आई और ई, इसमें दो माइनर्स बनेंगे, तो इनका भी आपस में दो तरीके से अदला बदली हो सकता है। तो इसका जवाब ये होता है फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2, यानी हम इसकी वैल्यू 2 देखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12 × 24, 24 × 2 कितना आ जाएगा 48। तो हमारे पास कुल 48 माइनर्स है, वी हैव द टोटल 48 माइनर्स टू अरेंज थिंग्स। हम इन चीज़ों को 48 तरीके से क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने स्वर को साथ रखा, ये समझ में आ गया होगा आपके। इसी में ना ए बी सी डी ई एफ, अगर हम कहते हैं प्रत्येक शब्द में, अभी आपने स्वर को साथ में देखा, तो अब मैं स्वर को साथ में नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे व्यंजन को प्रत्येक शब्द में व्यंजन साथ हो, व्यंजन मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन साथ हो। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन, अब हम व्यंजन को साथ में कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास दिल्ली शब्द है और दिल्ली शब्द में हमारे पास डी एल और एच तीन ऐसे शब्द हैं जिनको, तीन ऐसे लेटर हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इनको अगर मैं साथ में करूँगा ना, डी को, एल को और एच को एक साथ कर दूंगा ना, तो यह एक ग्रुप में आ गए, यह एक ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है ई और आई। तो आप एक चीज़ समझो ना, अब हमारे पास अरेंजमेंट करने के लिए कितनी चीज़ें हैं, एक चीज़ यह हो गई, एक चीज़ यह हो गई, एक चीज़ यह हो गई, तो अब हमारे पास अरेंजमेंट करने के लिए केवल तीन चीज़ें हैं, क्योंकि ये लोग जब भी आएंगे ना वो साथ में आएंगे, यह एक ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप को आप कैसे अरेंज करोगे, तो यह ग्रुप जहाँ भी जाएगा साथ साथ में जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको ना फैक्टोरियल तीन तरीके से अरेंज कर सकते हो, 1, 2 और 3, फैक्टोरियल तीन तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। लेकिन आप एक बात समझो, जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि ई और आई अगर एक साथ आते हैं तो आगे पीछे दो तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इसी तरह डी एल एच, अब तीन चीज़ें हैं लेकिन साथ में आपस में भी तो अदला बदली कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखो, पहले तो तीन ग्रुप बना, तो इसको फैक्टोरियल तीन तरीके से, लेकिन इनके आपस में अदला बदली को हम लोग फैक्टोरियल तीन तरीके से अरेंज कर देंगे। इसका मतलब फैक्टोरियल तीन की वैल्यू क्या होती है, 6, और आगे फैक्टोरियल तीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 तरीका। हमने देखा हम 36 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, कब, जब हमारे पास व्यंजन एक साथ होगा तब। ये मैंने देखा एक ही क्वेश्चन के मैंने आपको एफ पार्ट बताया। अब इसमें ना एक चीज आपको और बताता हूं, इसका जी पार्ट मैं बताता हूं, और इसमें क्या कहता है ना कि जब स्वर साथ में न हो। पहले देखिए, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था ना यहाँ पर, ये आप देखिए ई वाले पार्ट में हमने कहा था कि प्रत्येक शब्द में स्वर एक साथ हो, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब स्वर साथ में न हो, मैं चाहता हूँ कि वावल साथ में ना आए। तो इसका करने का तरीका होगा कि आपने पहले कुल माइनर्स, कुल तरीका, कुल कितने तरीके हैं, उन कुल तरीकों में से स्वर के साथ होने का तरीका, स्वर साथ का तरीका निकाल लीजिए। कुल तरीकों में से स्वर साथ का तरीका आप निकाल लो। तो कुल तरीका आपने देखा था कि अगर आपके पास पांच चीज़ें हैं तो पांच चीज़ों को अरेंजमेंट करने का हमारे पास जो तरीका था वो क्या था, पांच चीज़ों को अरेंज करने का तरीका हमारे पास था फैक्टोरियल 5।
अभी आपने देखा था, यहाँ हम इसको कहते थे कि 120। शुरू में जब मैंने आपको दिखाया था कि दिल्ली शब्द के अक्षरों को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, देखिए हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली शब्द के अक्षरों को आपने यहाँ पर आपने 120 तरीके से अरेंज किया था, यानी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, तो आपके पास कुल 120 तरीका यहाँ पर बनता था। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं फिर से ला रहा हूँ कि हमने देखा कि कुल तरीका हमारे पास 120 है, और स्वर साथ में, अब इससे पहले हमने देखा था स्वर साथ में होने का तरीका, जब स्वर में होते हैं तो कितना तरीका हमारे पास है, 48 तरीका है, स्वर के साथ होने से हमारे पास बनते हैं 48 तरीके, 48 तरीके। तो 120 में से आपको क्या करना था, 48 माइनस करना था। इसको आपने ऐसे गेट भी किया था, आपने ऐसे गेट किया था कि फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, यही चीज़ तो आपने गेट किया था जिसकी वैल्यू आपने 48 गेट किया था। तो अगर आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 72 माइनस, वी हैव द 72 माइनस, हमारे पास 72 ऐसे तरीके हैं जिसमें स्वर साथ में नहीं है, ना हूँ, मतलब टोटल में से स्वर का साथ माइनस कर देना। ऐसे अगर मैं पूछूँ ना कि कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है वो साथ में ना हो, तो टोटल हमारे पास 120 तरीका है, और व्यंजन साथ होने का तरीका हमने निकाला, कितने तरीके से व्यंजन साथ में हो सकते हैं, 36 तरीका है, तो आप 120 में से आप 36 को माइनस कर दीजिए, आप बताइए 84 तरीका है, ठीक है। ये आपके पास ना मैनर्स इस तरीके से, जब भी जो भी कोई क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास बनेगा परमुटेशन से, वर्ड पे आधारित, लेटर पे आधारित, तो हम ना ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मतलब इसमें हम फैक्टोरियल को नोट कर सकते हैं, और ये जो मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसका परमुटेशन का फार्मूला नहीं बताया आपको, मैं आपको ये जो बेसिक तरीका बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको कभी भूलेंगी नहीं, और इस तरीके से आप एग्जाम में ना बड़ा आसानी से और कम समय में क्वेश्चन को बना लोगे, और क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा तो आप उसको बना लोगे। ये हमने आपको बताया दिल्ली शब्द पे, इसमें ना एक क्वेश्चन मैं आपको, ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा है जिसके कई सारे पार्ट, जिसमें मेनली सारे तरह के जितने भी प्रश्न बनते हो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसमें ना मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ, और इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, किया जा सकता है इलाहाबाद के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिया इलाहाबाद के सब के अक्षरों को, इलाहाबाद ये जो शब्द है हमारे पास इलाहाबाद का, और इलाहाबाद के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली जो बात है कि दिल्ली और इलाहाबाद में आखिर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इलाहाबाद एंड दिल्ली। बड़ा सिंपल सा था, आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, हमारे पास 9 लेटर हैं, तो 9 लेटर को हम बहुत आसानी से अरेंजमेंट कर सकते थे फैक्टोरियल 9 तरीके से, 5 चीज़ें थी तो फैक्टोरियल 5 120, 9 चीज़ें तो हम तुरंत फैक्टोरियल 9 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कहा कि इलाहाबाद के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन, लेकिन दिल्ली के सारे लेटर डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, दिल्ली के सारे लेटर अलग अलग थे, और दिल्ली के सारे लेटर हमारे पास अलग अलग थे, लेकिन इलाहाबाद वाला जो है ना, इलाहाबाद में आप देखेंगे कि ये सारे अलग अलग, इलाहाबाद में ये सारे जो हैं, इसमें आप देखेंगे इलाहाबाद में अगर मैं बात करूँ तो ए की अगर मैं बात करता हूँ तो ए कितनी बार आया हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, इसमें आप देखेंगे ए 4 टाइम्स आया हुआ है। अगर मैं L की बात करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर L एक बार आया है, एक बार यहाँ पर आया है, यानी L हमारे पास 2 बार आया है, ठीक है। H की बात करूँ तो H सिंगल टाइम है, B की बात करूँ सिंगल टाइम है, D की बात करूँ सिंगल टाइम्स है, मतलब आप एक मेन डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो कि दिल्ली और इलाहाबाद में जो अंतर आया है, यहाँ पर इन लेटर्स का रिपीटेशंस आया है, रिपीटेशंस आया है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास ना, इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि अगर हमारे पास n थिंग्स है ना, तो n थिंग्स को अरेंज करने का तरीका हमारे पास फैक्टोरियल n होता है। लेकिन सपोज करिए इस n में से अगर कोई ऐसा चीज़ है जो, मान लीजिए कोई चीज़ जो रिपीट करता है, कोई चीज़ m बार आ गया, तो एक काम करना है, फैक्टोरियल n बनता है, इसमें फैक्टोरियल m से भाग देते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ और आ गया ओ बार, तो आपने इसको फैक्टोरियल ओ से भाग दे देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे 9 लेटर है, तो आप 9 चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 9 तरीके से। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये
जो है ए है ना, ये इसमें चार बार आया हुआ है, तो इसको ना फैक्टोरियल चार से डिवाइड करना पड़ेगा। एल इसमें दो बार आया है, तो इसको फैक्टोरियल दो से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से मेरी बात समझिए, हमने कहा अगर हमारे पास नाइन थिंग्स है ना, तो हम इसको फैक्टोरियल नाइन तरीके से अरेंज करेंगे। नौ चीज़ों को हम फैक्टोरियल नाइन तरीके से अरेंज करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें ए चार बार आया हुआ है और एल हमारा दो बार आया हुआ है, तो जो चीज़ चार बार आया उसको फैक्टोरियल चार से डिवाइड करो, जो चीज़ आपका दो बार आया उसको फैक्टोरियल दो से डिवाइड करो, और इसकी वैल्यू आप निकाल लो। अब इसको आप वैसे सॉल्व करेंगे जैसे आप पहले सॉल्व करते थे। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा आपको हिंट करता हूँ, फैक्टोरियल नाइन की वैल्यू आप यूज करिए, नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, और इसके बाद आप ना ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल फोर है, तो आप ना इसको डायरेक्ट यहाँ पे रोक दीजिए, यहाँ पे फोर थ्री टू वन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको फैक्टोरियल फोर पे आप रोक दीजिए, और यहाँ पे फैक्टोरियल फोर नीचे है इससे इजी कट जाएगा, या तो आप लिख के कटाइए। और फैक्टोरियल दो की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं दो इंटू वन, तो देखिए दो इंटू वन यहाँ पे दो से कट जाएगा, हमने इसको कटा दिया छः को तीन बार, तो अब हमारे पास देखिए क्या बचा, नाइन इंटू हमारे पास एट इंटू हमारे पास सेवन इंटू हमारे पास थ्री इंटू हमारे पास फाइव। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। मैनर्स आप समझिए क्या मैनर्स है, आखिर में दिल्ली और इलाहाबाद में अरेंजमेंट में क्या दिक्कत आई, क्या अंतर आया। या आप ये भी कह सकते थे कि नाइन लेटर है तो हम फैक्टोरियल नाइन तरीके से करेंगे, लेकिन अब हम मैं ये कह रहा हूँ कि फैक्टोरियल नाइन नहीं करना है। फैक्टोरियल नाइन आप करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो चीज़ बार बार आएगा, जैसे ए यहाँ पर कितनी बार आया, ए यहाँ पर चार बार आया, तो फैक्टोरियल चार से डिवाइड करना है, और इस पर एल दो बार आया तो फैक्टोरियल दो से डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए कोई लेटर और आया था तीन बार, तो हम फिर इसको फैक्टोरियल तीन से डिवाइड करते। सिंगल के अलावा अगर जितनी बार आता है ना उसके फैक्टोरियल से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये इलाहाबाद के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यह आप देख सकते हैं। यह है इलाहाबाद को अरेंज करने का तरीका, इसका मल्टीपल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से ना इसमें ना मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी ऐसा कोई लेटर्स आया जिसमें रिपीटेशंस की बात की जाए, तो आप उसको ना आप क्या करेंगे उसके, अगर वो जैसे कोई भी आप लेटर लीजिएगा, जैसे इलाहाबाद में देखा कि ए हमारे पास चार बार आ रहा है और हमारे पास एल दो बार आ रहा है, तो हम उसको ना फैक्टोरियल फोर और फैक्टोरियल एल से जब भी कहीं पर किसी चीज़ का रिपीटेशन होगा ना तो उसे डिवाइड जरूर होगा। लेकिन एक ना इसमें मैं अलग तरह का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन देखिए, मैं इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, इसमें कह रहा है हमारे पास एक लेटर है कम, कम शब्द के अक्षरों को, कम शब्द के अक्षरों को, कम शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से, कितने प्रकार से व्यवस्थित व्यवस्थित किया जा सकता है, किया जा सकता है, कम शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक, अब एक बात बताओ, आप सीधा सीधा आंसर आप जानते हो कि चार चीज़ें हैं और हम फैक्टोरियल फोर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ना इसमें ना एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद, वो क्या लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा जा रहा है ना कि प्रत्येक प्रत्येक अक्षर की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति की जाए, इसको पुनरावृत्ति को हम बोलते हैं रिपीटेशंस ऑफ ईच लेटर्स, रिपीटेशंस पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशंस, रिपीटेशंस ऑफ ईच लेटर आर अलाउड। कम शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया प्रत्येक अक्षर की पुनरावृत्ति की जाए, रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशंस आपका अलाउड है यहाँ पर। तो एक बात समझो, अब देखो हमने देखा था आपको जो बेसिक तरीका बताया, हमने कहा भाई हमारे पास चार सीटें हैं, एक दो तीन और चार सीटें हैं, तो आप पहले सीट को आप कितने तरीके से भर सकते हो, चार तरीके से, लेकिन यूज़ तो एक ही हुआ, तो अगले को आप तीन भरते थे। लेकिन रिपीटेशंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सी का यूज यहाँ किया है ना, तो वहाँ पर अगले जगह पर भी आप सी को यूज कर लो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कंडीशंस यहाँ पे मेंशन हो जाए कि प्रत्येक अक्षर की पुनरावृत्ति की जाए, रिपीटेशंस ऑफ ईच लेटर आर अलाउड, तो पहले सीट को चार तरीके से और अगले वाले सीट को भी चार तरीके से, अगले वाले सीट को पुनः चार तरीके से, अगले वाले सीट को पुनः चार तरीके से, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हो उन लेटरों को, पुनः प्रयोग कर सकते हो, यह रिपीटेशंस मेंशन रहता है। तो देखो अब ना हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, चार इंटू चार इंटू चार, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं फोर के पावर फोर बोल सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सोलह इंटू सोलह, आप सोलह का स्क्वायर आपको पता होगा टू फाइव सिक्स दो सौ छप्पन, या आप मल्टीपल कर लीजिए चार इंटू चार सोलह, सोलह चौका चौंसठ, चौंसठ इंटू चार दो सौ छप्पन।
ये हमारे पास माइनस कब होगा, जब हम इसको रिपीट करते हैं, रिपीटेशंस ऑफ लेटर्स आर अलाउड। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से परमुटेशंस, परमुटेशन अरेंजमेंट के लिए बताता है किस तरह से परमुटेशंस का हम लोग वर्ड्स में कैसे इसको यूज करते हैं, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। इसी तरह ना इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि डिजिट से बनते हैं, तो हम लोग अब क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उसको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजिट पढ़ेंगे। अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको डिजिट। अब मान लीजिए मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिजिट। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि डिजिट क्या है, आप थोड़ा इसके बारे में समझें। जैसे मैं लिखता हूँ डिजिट, देखें डिजिट, डिजिट को हम लोग बोलते हैं अंक। हमारे पास अंक के नाम पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। मतलब हमारे पास ना 0 से लेकर ना 9 तक के अंक हैं। इन्हीं से जितनी भी नंबर्स हैं ना, ऑल नंबर्स आर फॉर्म फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके ये तो सारी संख्याएं बनती हैं। तो इन संख्याओं पर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, इन अंकों पर, इन अंकों का यूज करके संख्याएं बनाई जाती हैं। तो प्रश्न ये है कि आप इनका यूज करिए, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का आप यूज करिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे ना एक अंक की संख्याएँ बनानी हैं, एक अंक की संख्याएं बनानी है। मैं आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछता हूं कि मुझे ना एक अंक की संख्या चाहिए, एक अंक की संख्या चाहिए। तो आप कहोगे कि एक अंक में तो आप केवल एक अंक को ही प्रयोग कर सकते हो, और हमारा नंबर कहां शुरू होता है, 1 से, ठीक है। या अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो उसमें 0 भी काउंट होता है। मैं कहता हूं कि ना 0 से लेकर 9 तक की संख्या का प्रयोग करके आप ना कितने होल अंक बना सकते हो जिसमें 1 डिजिट हो। तो आप कहोगे सीट हमारे पास एक ही है, और हमारे पास कुल कितनी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं भाई, 1 से लेकर 9 तक ये हो गया और 0 हो गया। तो इस तरह से अगर मैं नंबर्स पूछूंगा, तो नंबर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो वो तो एक से शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ एक अंक की संख्या, संख्या का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर से, तब तो आपके पास यहाँ पे 9 मैनर्स हैं, आपका 9 तरीका होगा इसको भरने का। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूँ कि भाई नहीं, इसी में मैं कह दूँगी नहीं, मुझे एक अंक का नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर के अलावा मैं कहूँ मुझे होल नंबर चाहिए, होल नंबर इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो जो हमारा 0 है ना, उसको होल नंबर में कंसिडर किया जाता है। तो अब इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे, 10 तरीका, ठीक। एक सीट है तो आप इसको ऐसे भरोगे। अब यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 करता हूँ, 5 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 5, ये 6 मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ना 2 अंक की संख्या बनानी है, 2 अंक की संख्या बनानी है। तो आपके पास ना एक तरीका है, आप कहोगे देखो 2 अंक की संख्या आप चाहते हैं बनाना, और 2 अंक हमारे पास कहाँ शुरू होता है, बड़ा इजी सी बात है। देखो ये ना हमारा 10 से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है और ख़त्म होता है 99 पर, क्योंकि 99 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 आ जाता है, 100 होगा नहीं, और इससे पहले आप देखेंगे 9 होता है, 2 अंक, 2 डिजिट। अगर हम 2 डिजिट की बात करते हैं तो ये 10 से लेकर 99 तक की बात करते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कितना प्लेस है, यहाँ पर हमारे पास कितना प्लेस है, हमारे पास यहाँ पर 2 प्लेस है, ये हमारा पहला प्लेस है और ये हमारा दूसरा प्लेस है, वी हैव द 2 प्लेस। अब 2 प्लेस को मैं आपको भरना सिखाता हूँ कि कैसे हम भर सकते हैं इसको। तो एक बात आप समझिए, जब हम 2 अंक की संख्याओं के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 2 तरह की संख्याएं होंगी, एक संख्या होंगी नॉन रिपीटेड, एक होंगी रिपीटेड। जैसे मैं देखिए 11 के बारे में बोलता हूं, तो इसमें 1 का रिपीटेशन अलाउड है, और अगर हम 22 के बारे में बोले, 33 के बारे में बोले, 44 के बारे में बोले, तो इसमें 2 तरह की संख्याएं बनती हैं, एक रिपीटेड, एक नॉन रिपीटेड। तो अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि 2 अंक की संख्या कितनी बन सकती है, और जिसमें आपको इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी, मैं कहूं कि डिजिट जो है ना उसका रिपीटेशन नहीं करना है, तो आप इसमें कहेंगे देखो ये जो पहला सीट है ना, इसको ना आपके पास 10 चीजें हैं, लेकिन आप 0 का प्रयोग यहां पे नहीं कर सकते हो। अब आप पूछोगे 0 का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप 0 का यहाँ पे प्रयोग करोगे तो एक अंक की संख्या बन जाएगी, यानी पहले सीट को आपके भरने के तरीके हो गए 9, और दूसरी सीट में अब हमारे पास देखो 10 चीज़ें हैं, यहाँ पे आप 0 का यूज कर सकते हो, लेकिन 10 चीज़ों में से हमने कोई एक मैनर से यहाँ पर यूज किया होगा, तो आप इस चीज़ को भी आप 10 में से एक यूज हो गया, यानी इसको भी आप भरोगे 9, तो 9 में 9 का मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, और यहाँ पे देखिए पुनरावृत्ति है,
पुनरावृत्ति है, रिपिटिशन अलाउड है, मतलब हमारे पास ना आप एक देखो ये दो सीट है, तो रिपिटिशन अलाउड का मतलब जिस चीज़ का आपने यहाँ पे प्रयोग किया उसका प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब रिपिटिशन अलाउड में जाएंगे तो फिर जीरो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जीरो कहेगा कि भाई आप यहाँ पे रखोगे तो हमारा जो है ना ये एक अंक की संख्या बनेगी, तो जीरो को यूज नहीं कर सकते। तो इस सीट को आप भरोगे नौ तरीके से, और अगले को नौ तरीका ही भर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे जीरो भी यूज कर सकते हो, यानी इसको भरने कितने तरीके हो जाएंगे, दस, तो नाइन इंटू दस कितना हो जाएगा, नब्बे। तो हमारे पास दो अंक की जो संख्या बनती है ना वो 90 संख्याएं बनती हैं, और जिसमें से 81 संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं होता है। तो 81 और 90 का अगर मैं डिफरेंस करूं तो मैं यहां पर 9 संख्याएं पाता हूं, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 और 88 और 99। आप इसको देखो, ये हमारे पास ऐसे नौ नंबर्स हैं ना, यहाँ पर 81 है और यहाँ पे 90 है, इनके बीच में ऐसी नौ संख्याएं हैं जिनमें रिपीटेशन अलाउड है। मतलब आप 81 से अगर 90 की बात करते हो, यहाँ पर बात करोगे रिपीटेशन नहीं तो 81 और रिपीट करते हैं तो 90, इसका मतलब आप देखो। वैसे भी 10 से अगर 99 की हम बात करते हैं, तो 10 से अगर हम 99 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कितनी हमारे पास संख्या आ जाएंगी, भाई 10 और 11 से लेकर 99 तक आप देख सकते हैं हमारे पास 89 और एक 10 को हम शामिल करेंगे, यानी हमारे पास कितनी संख्या है, यहाँ पर 90 संख्या है, हमारे पास यहाँ पर भी 90 संख्या है, वो 90 संख्या यही है, लेकिन इनमें ये सब शामिल हैं, और अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा तो 81। तो दो अंक की संख्या बनाते समय हम ऐसे बनाएंगे। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ, आगे देखिए, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 7 देता हूँ, और मैं बात करता हूँ 3 डिजिट नंबर, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं 3 डिजिट नंबर। इसमें दो केस बनाएंगे हम लोग, पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं पुनरावृत्ति कर लेते हैं, पुनरावृत्ति की जाए। दूसरा केस हम कर सकते हैं पुनरावृत्ति ना करें, बहुत आसान सा, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करना और रिपीट नहीं करना, पुनरावृत्ति ना की जाए। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे तीन अंक की संख्या के लिए तीन अंक की संख्या के लिए तीन प्लेस, और आपके पास सारे अंक हैं, जीरो से लेकर जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है और नौ है, हमारे पास ये सारी संख्याएं हैं। इसमें पुनरावृत्ति की जाए, अलाउड कर दिया कि आप जो मर्जी ने जो यहाँ पे लिखे यूज कर लो। सबसे पहले आप पहले सीट को देखो, क्योंकि पहला सीट इसलिए हम भरेंगे क्योंकि यहाँ पर एक जीरो का मामला है, जीरो कहता है कि अगर आपने मुझे पहले यूज कर दिया ना तो जो संख्या मिलेगी वो दो अंक की संख्या मिलेगी। जैसे हम जीरो सपोज करें, हमने लिखा 023, तो ये तीन अंक की संख्या नहीं है, 23 ही तो पढ़ा जाएगा, और अगर यहीं पे हम 230 लिखें या हम इसको 203 लिखें, तो ये तीन अंक की संख्या है, ये तीन अंक की, लेकिन ये तीन अंक की संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पर जब आप इसको भरोगे तो इन सारे चीज़ों में से आप एक चीज़ यूज नहीं कर सकते हो, तो इसको तो हर बार आप नौ तरीके से भरोगे। और इस चीट को भरने का हमारे पास तरीका कितना हो जाएगा, तो देखो अब हमारे पास कुल 10 अंक हैं, और 10 के 10 अंक को हम प्रयोग कर सकते हैं, 10 तरीका, इसको हमारे पास 10 तरीका, तो 9 × 10 × 10 मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 × 10 90, 90 में 10 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 900 मैनर, हमारे पास 900 ऐसी संख्याएं, तीन अंकों की जो हमारी कुल संख्या है ना वो 900 संख्याएं हमारे पास हैं जो 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब यहाँ पर जो मैंने दूसरा केस इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, कि हम चाहते हैं कि 3 डिजिट नंबर बनाएं लेकिन पुनरावृत्ति ना करें, तो उसमें क्या अंतर होगा, पहले सीट को आप 9 तरीके से भरोगे लेकिन दूसरे में अब आप 10 नहीं भर पाओगे, क्योंकि आपके पास 10 चीज़ें हैं, कोई आपने एक यूज कर लिया है, तो आप इसको 9 तरीके से भरोगे। अगले में हमारे पास 10 चीज़ें हैं लेकिन हमने दो यूज कर लिया, दो सीट भरने का मतलब हमने दो यूज कर लिया, यानी हम इसको 8 तरीके से भरेंगे। ये हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे इनका कर लेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो 81 आ जाएगा इंटू 8 आ जाएगा, आप इसको मल्टीपल कर देखिए, 8 × 1 = 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। तो हमारे पास न 648 ऐसी संख्याएं हैं तीन अंक की जिनमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। और पहले केस में अगर आप देखेंगे 9 × 10 × 10 में, तो इसमें ये संख्याएं भी शामिल हैं और वो भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 122, तो आप देखिए ना इसमें 122 तीन अंक की संख्या है और इसमें दो का हम रिपीट कर सकते हैं, या हम ऐसे लिख दें 333, आप देखिए, या हम 555 लिख लें या 550 लिख लें, तो इसमें रिपीटेशन है ना, ये वो 648 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें रिपीटेशन जो है, जिसमें अंकों का रिपीटेशन नहीं है और यहाँ पर आप रिपीट करते हैं। तो ये 3 डिजिट नंबर की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि रिपीटेशन लिखा गया है नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया है तो सिंपल ही पुनरावृत्ति ना की जाए, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ऐसे अगर मैं 4 अंक की संख्या बताऊंगा तो 9 × 10 × 10, यानी हमारे पास कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 9000 ऐसे नंबर्स हैं। आप अच्छा, तीन अंक में आप एक चीज़ देखो, तीन अंक को आप कहाँ शुरू करते हो, तीन अंक की संख्या आप शुरू कहाँ से करते हो, बिगिन करते हैं हम 100 से और ख़त्म कहाँ पे करते हैं, 999 पे ख़त्म करते हैं। तो देखो, एक से लेकर 99 तक की संख्या है तो हमारी 3 डिजिट में आई नहीं,
ये तो आएगी नहीं, और 100 इसके बाद आप चलेंगे तो जो 1000 है वो भी इसमें नहीं शामिल हुआ। यानी आप देखोगे कि एक एक से लेकर के 1000 तक ये मिसिंग हो गया और ये मिसिंग हो गया, यानी 99 संख्या है एक और एक ही है 100, 1000 में से 100 संख्या मिसिंग, तो ये बीच में कितनी संख्या आएंगी 900, तो ये 900 संख्या है। ऐसे चार अंक में आप जाओगे ना तो 9000 आ जाएगा, पाँच अंक में जाओगे ना तो 90000 आ जाएगा, ऐसे वो बढ़ता, क्योंकि पहली सीट को आप 9 तरीके से भरोगे और बाद की जो भी सीट होंगे ना वो 10-10 तरीके से भरते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें तो आप रिफ्रेंस यहाँ पे अलाउट कर दिया गया है, और नहीं करेगा तो फिर 9, 8, 7, 6 ऐसे वो घटता चला जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ना हम डिजिट पर हम लोग अंकों का प्रयोग करते हैं, जबकि हमने सारे अंकों का इसमें हमने देखा कि 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक के हमने सभी के सभी 10 अंकों का हमने यूज करके ये सीखा कि किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे 4 डिजिट 5 डिजिट पर भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और बताऊँ, इसमें एक क्वेश्चन और देता हूँ, अब देखिए अगर हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर की हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी, आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब क्या करोगे, पहले तो आप 4 सीट ले लीजिए, 1, 2, 3 और 4 सीट ले लीजिए। तो अब इसमें 2 केस बनेगा, इसमें ना हम रिप्रेशंस नहीं करते हैं, इसमें रिप्रेशंस नहीं करते हैं, और इसमें हम रिप्रेशंस कर देते हैं, यहाँ पर हम रिप्रेशंस कर देते हैं, रिप्रेशंस अलाउड कर देते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो पुनरावृत्ति करेंगे तो इसको 9 तरीके से, इसको 10 तरीके से, फिर ये 10 तरीका से, आप 10 के 10 अंक यूज करिए। पहले पे सिर्फ 0 का प्रयोग नहीं कर सकते थे, यहाँ पर 0 मना है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो तरीका आएगा कितने अंक आ गए, देखिए 9000 आ गया। लेकिन जब आप इस वाले केस में करेंगे कि आप कहते हैं कि हम पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते, तो इस सीट को तो आप 9 ही तरीके से भरोगे, लेकिन अब 10 में से एक माइनस यूज हुआ, हमारे पास 10 चीज़ें थी जिसमें 0 नहीं आता, तो इसको 9 तरीका से। लेकिन अब अगले सीट की मैं बात करूंगा तो इसमें आप देखोगे 10 चीजें हैं, लेकिन 10 में से आपने क्या किया, 10 में से आपने एक तो ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो अब आपको कितना यूज कर सकते हैं इसको 9 तरीके से, 10 में से आपने 2 यूज कर लिया तो 8 तरीके से, 10 में से आपने 3 यूज कर लिया तो 7 तरीके से, इसलिए घटता चला जाता है। इसलिए तो यहां पे फैक्टोरियल हम यूज करते हैं जो डिक्रीजिंग को शो करता है, और इनका हम मल्टीपल कर लेंगे जो हमारा आंसर आएगा, हम इसको बना सकते हैं। एंड मेनी मोर क्वेश्चंस आप इस पे बनाइएगा। ठीक, ये मैंने आपको बताया डिजिट के कंसेप्ट को समझाया कि किस तरह से हम लोग ना डिजिट पर काम करेंगे और इसकी संख्याओं पर हम लोग किस तरह से काम करते हैं, कैसे इसका हम अंक प्राप्त करते हैं, कितनी संख्याएं, कितने अंकों की संख्याएं हम इनका यूज करके बनाते हैं। ठीक है, मैं पूरे टीम को, हमारे कैमरामैन चमन जी हैं और हमारे मनोज जी हैं जो जिन्होंने ये हमें अवसर दिया आपके आपको अपनी बात पहुँचाने का, तो मैं आप सभी लोगों को, पूरे टीम को, स्टडी खजाना को पूरा धन्यवाद देता हूँ जो एक अच्छा प्रयास कर रहा है छात्रों तक अच्छे टीचरों को पहुँचाने का। धन्यवाद।